हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स, आज हम हमारे बुक में पेज नंबर 42 पर आज हम लेसन नंबर 6 सब्सटेंसेस इन डेली यूज. सब्सटेंसेस यानी क्या होते हैं? पदार्थ. इन डेली यूज, डेली यूज यानी हमारे उपयोगी, हमारे दैनंदिन जीवन में जो पदार्थ उपयोगी होते हैं उसके बारे में आज हम इस लेसन में रीड करने वाले हैं. ठीक है, ओके. चलो, क्या बोला है? कैन यू रिकॉल, में याद करने के लिए बोला हमें. पहला दिया है कि विच थ्री ऑब्जेक्ट्स डू यू सी इन द पिक्चर. यहाँ पर देखो 6.1 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिख रहा है, अलग अलग वस्तुएं दिख रही है, विभिन्न वस्तुएं. ये तीनों जो वस्तुएं है, तीनों भी ये ऑब्जेक्ट दिए है. यहाँ पे चेयर दिया, टेबल दिया, अलमारी दी है ना. तो ये जो हमें चित्र में, पिक्चर में जो तीन ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, सबको दिखाई दे रहे हैं, तो ये कौन कौन से? इसको चेयर कहते हैं, इसको टेबल कहते हैं, इसको अलमारी कहते हैं, सबको पता है ना. सेकंड क्वेश्चन बोला है, हाउ डिड यू आइडेंटिफाई देम. तुमने ये जो ऑब्जेक्ट्स है यह किस आधार पर उसको आइडेंटिफाई किया, यानी पहचाना. हमको पता है कि लकड़ी का है, कोई लकड़ी की रहती है ना, और ये अलग अलग टाइप की होती है. अलमारी कोई लोहे की होती है ना, फर्नीचर के रूप में भी हम लोग उसको बनाते हैं. तो हम लोगों को पता है ना ये चीज़ें किससे बनती है, हम इसको देख चुके हैं, इसलिए हमने इनको क्या किया, आइडेंटिफाई कर सके. ओके, थर्ड में बोला है, व्हाट मटेरियल आर दे मेड ऑफ. और जो ये ऑब्जेक्ट्स है, ये ऑब्जेक्ट्स को बना कौन से मटेरियल से बनाया गया है. तो लोहे से, कोई लकड़ी से है, वुड से बनाया जाता है ना, आयरन वुड से, या और भी किसी चीज से बनाते हैं. प्लास्टिक की भी बनती है, चेयर टेबल बनता है ना प्लास्टिक का. ठीक है, उसके बाद में फिर फोर्थ क्वेश्चन बोला है, कैन एनी वन ऑफ दीज मटेरियल्स बी यूज्ड टू मेक ऑल द थ्री ऑब्जेक्ट्स. क्या ये जो ऑब्जेक्ट्स है उसमें से केवल ये तीन वस्तु ये ही बना जा सकती है क्या, आयरन में से, वुड में से, प्लास्टिक में से? नहीं, और भी, इनके अलावा भी और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनाए जा सकते हैं. ओके, फिर यहाँ पर क्या बोला है, सब्सटेंसेस एंड ऑब्जेक्ट्स. सब्सटेंसेस यानी पदार्थ, ऑब्जेक्ट्स यानी वस्तुएं. ओके, तो हम पदार्थ और वस्तुओं के बारे में अब रीड करेंगे. क्या बोला है, ऑल सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स. जो सब्सटेंसेस होते हैं यानी जो पदार्थ होते हैं वो किससे होते हैं, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स यानी बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स यानी सूक्ष्म कणों द्वारा बने होते हैं. जो सभी पदार्थ होते हैं वह वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, सूक्ष्म कणों के द्वारा बने होते हैं. ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ सब्सटेंसेस. और ऑब्जेक्ट्स यानी वस्तुएं है ना, वस्तुएं जो है आर मेड अप ऑफ सब्सटेंस यानी जो वस्तुएं है वो पदार्थों द्वारा बनी होती है. ऑब्जेक्ट्स के द्वारा बने होते हैं, सब्सटेंस के द्वारा है ना. ऑब्जेक्ट्स यानी वस्तुएं यह पदार्थों के द्वारा बनी होती है. तो इसको अंडरलाइन करूंगी, ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ सब्सटेंसेस. ओके, उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट्स हैव अ स्पेसिफिक शेप, देयर पार्ट्स हैव अ, वी यूज वुड, प्लास्टिक और स्टील टू मेक अ टेबल, चेयर और कपबोर्ड. हमने ऊपर में देखा ना, चेयर टेबल एंड कपबोर्ड है ना, अलमारी देखा ना. ठीक है, तो यहाँ पे वही बोला हुआ है कि क्या बोला है यहाँ पर, कि जो ऑब्जेक्ट्स है वो स्पेसिफिक शेप, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वस्तुएं होते हैं, उनको क्या होता है, स्पेसिफिक शेप होता है ना. यानी जो वस्तुएं होती है उसको क्या होता है, एक विशिष्ट आकार होते हैं. हर स्पेसिफिक शेप की वजह से हम उन वस्तुओं को पहचानते, ऑब्जेक्ट्स को पहचानते. स्पेसिफिक अरेंजमेंट, उन वस्तुओं की क्या होती है, स्पेसिफिक अरेंजमेंट होती है, जिसके आधार इसको हम लोग बोलते हैं कि रचना, उसकी अरेंजमेंट, उसकी रचना अलग प्रकार की होती है, उसकी शेप आकार अलग प्रकार का होता है. बाई विच वी आइडेंटिफाई देम, यानी उसकी रचना के द्वारा ही हम उनको क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं यानी पहचान सकते हैं. वी यूज वुड, हम लकड़ी है ना, यानी लकड़ी का वुड यानी लकड़ी, ठीक है, हमने इसका देख लिया वुड, उसका प्लास्टिक और स्टील,
स्टील, स्टील पता है आपको, आपने देखा है प्लास्टिक भी देखा, वुड लकड़ी पता है आपको, टू मेक अ टेबल। एंड इनसे क्या होता है, वी यूज, हम लोग वुड, प्लास्टिक और स्टील का यूज करते हैं टेबल, चेयर और कपबोर्ड बनाने के लिए। क्या हो जाएंगे इस लाइन का मीनिंग, कि टेबल, कुर्सी यानी चेयर, ठीक है, और अलमारी यानी कपबोर्ड बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वुड, प्लास्टिक और स्टील का यूज करते हैं। ओके, दिस सब्सटेंस हैव द स्ट्रेंथ रिक्वायर टू मेक देयर दिस आर्टिकल्स। हाँ, और जो ये वस्तुएं होती है ये जितनी मजबूत होनी चाहिए उतनी मजबूती इन ऑब्जेक्ट्स में होती है। ये जो है सब्सटेंस जो है यानी पदार्थ जो होते हैं, यह इसमें जितने स्ट्रेंथ होती, मजबूती होती है, वह इन सब्सटेंस, इन वस्तुओं में हमें मिल जाती है। ऑल्सो दीज सब्सटेंसेस कैन बी गिवन अ डिजायर्ड शेप, और इन पदार्थों को जो डिजायर्ड शेप होता है वह भी दिया जाता है। इट मीन्स दैट वी कंसिडर द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस टू यूज देम फॉर मेकिंग थिंग्स, यानी पदार्थों के जो प्रॉपर्टीज होते हैं, गुणधर्म होता है ना, सब्सटेंस का जो प्रॉपर्टीज गुणधर्म होता है वह जानकर हम लोग ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए उसका यूज करते हैं। ओके, सेकेंड पैराग्राफ में क्या बोला है हमें, कि द सेम सब्सटेंसेस और मटेरियल कैन बी यूज्ड टू मेक मेनी ऑब्जेक्ट्स, लेट अस स्टडी सम सच एग्जाम्पल्स। एक पदार्थ से अनेक वस्तुएं तैयार की जाती है। सेम सब्सटेंस से और मटेरियल से कैन बी यूज टू मेनी, मेक मेनी ऑब्जेक्ट्स, यानी एक पदार्थ से अनेक वस्तुएं हम लोग ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। हम इसके बारे में एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कॉटन, कॉटन से हम लोग क्या क्या बनाते हैं, कॉटन सबको पता है जिसको हम लोग रुई कपास कहते हैं ना, कॉटन से हम लोग क्लोथ बनाते हैं, ठीक है, फिर फाइबर और थ्रेड धागा बनाते हैं, है ना, फाइबर का और थ्रेड है, साड़ी, साड़ी बनाते हैं, साड़ी, हैंडकरचीफ्स यानी जिसको हम लोग रुमाल कहते हैं, फिर क्वाइल्स जिसको हम लोग रजाई कहते हैं, मैट्रेसेस जिसको गद्दे कहते हैं, पिलोस यानी तकिया, है ना, यानी एक कॉटन से हम लोग इतनी सारी वस्तुएं बना सकते हैं, और भी इसके अलावा भी हम लोग कॉटन से ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। ओके, सेकेंड दिया है आयरन, आयरन मीन्स क्या होते हैं, लोहा। अब लोहे से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन स्टील बार्स, यानी जो कंस्ट्रक्शन होते हैं, निर्माण कार्य होते हैं, उसकी बार्स यानी छड़ जो होती है ना, जो उसकी छड़ होती है, वो हम लोग आयरन की कंस्ट्रक्शन के लिए लगती है। आपने देखा होगा सलाखे जिसको बोलते हैं, वो बनाई जाती है किससे, आयरन से। उसके बाद में ग्रिडल्स जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तवा, जो रोटी बनाने के लिए ना, जिसको तवा कहते हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स यानी गाड़ियों के, मोटर गाड़ी के पार्ट्स यानी उनके अंग, मोटर गाड़ी के जो पार्ट्स होते हैं ना, वो अंग, वो भी बना सकते हैं आयरन से। फिर इलेक्ट्रिक पोल्स, आपने देखा होगा बिजली के खंभे, इलेक्ट्रिक पोल्स लोहे के होते हैं। ओके, टेबल्स, टेबल्स भी बनाए जा सकते हैं, कपबोर्ड्स भी आपने देखे होंगे लोहे के, आयरन के, और भी इसके अलावा हम लोग आयरन की और भी वस्तुएं बना सकते हैं। अब तीसरा है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम सबको पता है, किचन यूटेंसिल्स, आपके घर में जो किचन के, रसोई घर के जो बर्तन होते हैं ज़्यादातर किसके होते हैं, एल्यूमिनियम के ही होते हैं। इलेक्ट्रिकल केबल्स, जो इलेक्ट्रिकल केबल होता है, तार होती है, विद्युत वाहक तार होती है, वो भी एल्यूमिनियम की बनाई जाती है। इसके अलावा भी हम लोग एल्यूमिनियम की बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं। ओके, फिर क्या बोला है, बाय स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस वी कैन सेलेक्ट सब्सटेंसेस सुटेबल फॉर अवर पर्पस, दे द सब्सटेंसेस इन एवरी डे यूज आर ऑफ टू मेन काइंड, नेचुरल एंड मैन मेड सब्सटेंसेस। यहाँ पे क्या बोला है कि पदार्थों के प्रॉपर्टीज है ना, सब्सटेंस, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थों के गुणधर्मों का हम लोग उसके यूज के अनुसार उसका किस तरह से हम लोग उसको यूज कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग सुटेबल फॉर अवर पर्पस यानी हमारा जिस तरह का पर्पस होता है उसके अनुसार हम लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। अब हमारे लिए जो यूजेबल, हमारे लिए जो यूज वाले पदार्थ है, उपयोगी पदार्थ हैं, उनका हम लोग टू टाइप में उसको, टू मेन काइंड्स यानी उसका एवरीडे हम लोग यूज करते हैं उसका टू टाइप में अभी हम लोग क्या करेंगे,
देखेंगे तो उसमें कौन से आते हैं, नेचुरल नेचुरल सब्सटेंस एंड दूसरा है मैन मेड सब्सटेंस। नेचुरल यानी जो प्रकृति के द्वारा बने होते हैं, जो हमने बनाते हैं, प्रकृति बनाते हैं, नेचुरली होते हैं वो सब्सटेंस, ठीक है, वो वाले होते हैं, ठीक है, इसको हम लोग प्राकृतिक पदार्थ कह सकते हैं। और दूसरा है मैन मेड यानी जो मनुष्य बनाता है, इंसान बनाता है मैन मेड सब्सटेंस, ठीक है। तो हम लोग दो प्रकार के सब्सटेंस है वो हम देखेंगे, नेचुरल सब्सटेंस एंड मैन मेड सब्सटेंस, ओके। अब हम यहाँ पर हमें पेज नंबर 43 पर दिया हुआ है कैन यू टेल, यहाँ पर भी हमें कुछ पिक्चर नजर आ रहे हैं और यहाँ पर भी नजर आ रहे हैं, ओके। तो इनको हम लोग देखेंगे कि हमको क्या क्या बोला गया है, ओके। जैसे फर्स्ट पॉइंट दिया है हमें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू ग्रुप्स ऑफ नेचुरल सब्सटेंसेस, लेदर, जूट, वूल, कॉटन एंड वाटर, सॉइल, मेटल्स। यानी हमको यहाँ पर क्या बोला है कि हमको यहाँ पर लेदर, लेदर यानी क्या होता है, चमड़ा, ठीक है, उसके बाद जूट, जूट को हम लोग हिंदी में पटसन कहते हैं, पटसन जूट की वस्तु, ये दिखाऊंगा ना आपने, उसके बाद में सुना भी होगा। अब वूल, वूल यानी क्या होता है, जिसको हम लोग ऊन कहते हैं ना, कॉटन यानी कपास, रुई, एंड वाटर यानी पानी, सॉइल यानी मिट्टी, और मेटल्स यानी धातु, ये, ठीक है। तो जो ये लेदर, जूट, वूल, कॉटन एंड वाटर, सॉइल, मेटल्स, ये जो हमें पदार्थ दिए हैं, जैसे इनके हमको दो ग्रुप बोले हैं, है ना, दो समूह ग्रुप के हमको प्राकृतिक पदार्थों में क्या अंतर है, नेचुरल कौन सा है इसमें और मैन मेड कौन से हैं, ठीक है। अब इन दोनों में हमें यह मैन मेड नहीं है, यह सब क्या है, नेचुरल है। तो हमें नेचुरल पदार्थों में ही दो इसके ग्रुप किए गए हैं वो हम देखेंगे। अब नीचे में हमको नेचुरल सब्सटेंसेस बताया गया है, इसमें हम लोग देख लेंगे कि इन ये जो नेचुरल सब्सटेंसेस में इनके दो ग्रुप कैसे किए गए, लेदर, जूट, वूल, कॉटन एंड वाटर, सॉइल, मेटल्स, ठीक है, इनमें से कौन से नेचुरल सब्सटेंस में दो ग्रुप किए गए वो अब हम इसमें पढ़ने वाले, ओके। अब क्या बोला यहाँ पर हमको, नेचुरल सब्सटेंस में यानी प्राकृतिक पदार्थ में सब्सटेंसेस अवेलेबल इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरल सब्सटेंसेस। नेचुरल सब्सटेंसेस किसे कहते हैं, वो सब्सटेंसेस अवेलेबल इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरल सब्सटेंसेस, ओके। जिसको आपको अंडरलाइन करना है कि नेचुरल सब्सटेंस यानी प्राकृतिक पदार्थ किसे कहते हैं, यानी जो पदार्थ हमें नेचुरली अवेलेबल होते हैं, नेचर के द्वारा हमें अवेलेबल होते, यानी प्रकृति में जो पदार्थ अवेलेबल, उपलब्ध पदार्थों को क्या कहते हैं, नेचुरल सब्सटेंसेस कहते हैं। जो पदार्थ हमें नेचर में अवेलेबल होते हैं और हमें मिल जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, नेचुरल सब्सटेंसेस, ओके। ऑफ दिस द सब्सटेंसेस ऑफ द फर्स्ट ग्रुप आर ऑब्टेंड फ्रॉम लिविंग थिंग्स। अब इनमें से जो हमने ऊपर में देखा लेदर, जूट है ना, ये वाला देखा ना हमने, यहाँ पर ये देखा आपने, यहाँ पर ये लेदर, जूट, वूल, कॉटन, वाटर, सॉइल, मेटल्स, ओके। तो ये जो है इनमें हमें क्या बोला है कि पहले समूह के पदार्थ जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इसमें फर्स्ट ग्रुप के जो लिविंग थिंग्स हैं, यानी पहले समूह के पदार्थ हमें किससे मिलते हैं, लिविंग थिंग्स यानी सजीवों से प्राप्त होते हैं। फिर क्या बोला है, सब्सटेंसेस ऑब्टेंड फ्रॉम लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड बायोटिक सब्सटेंसेस, यानी जो पदार्थ, इसको अंडरलाइन करोगे, सब्सटेंसेस ऑब्टेंड फ्रॉम लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड बायोटिक सब्सटेंसेस, यानी जो ऑब्जेक्ट्स, जो पदार्थ, जो सब्सटेंस, जो पदार्थ हमें लिविंग थिंग्स यानी सजीवों से प्राप्त होते हैं उन्हें बायोटिक सब्सटेंस, जैविक पदार्थ, बायोटिक यानी जैविक, हम फर्स्ट लेसन में पढ़ चुके हैं, फर्स्ट सेकेंड दोनों लेसन में पढ़ चुके हैं, ठीक है, बायोटिक यानी जैविक, जैविक पदार्थ सब्सटेंस कहते हैं। जो सब्सटेंस हमें लिविंग थिंग्स सजीवों से प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बायोटिक सब्सटेंस कहा जाता है, ओके। फिर आगे क्या बोला है हमें यहाँ पर, एयर, एयर यानी हवा, सॉइल यानी मिट्टी, ठीक है, उसके बाद में वाटर यानी पानी, आर सब्सटेंसेस दैट आर नॉट ऑब्टेंड फ्रॉम लिविंग थिंग्स,
एयर, सॉइल, वाटर, ये जो पदार्थ है यह हमें लिविंग थिंग्स सजीवों से प्राप्त नहीं होते हैं। दे आर कॉल्ड अबायोटिक सब्सटेंस, या सब्सटेंसेस यानी जो पदार्थ लिविंग थिंग्स से प्राप्त नहीं होते हैं अबायोटिक यानी अजैविक पदार्थ कहते हैं, और जो सब्सटेंस हमें लिविंग थिंग्स से प्राप्त होते हैं उन्हें बायोटिक सब्सटेंस कहते हैं। अंडरस्टैंड बच्चों, नेचुरल सब्सटेंस में बायोटिक एंड अबायोटिक, नेचुरल सब्सटेंस के टू ग्रुप है, पहला बायोटिक यानी जैविक लिविंग थिंग से प्राप्त होने वाले, दूसरा अबायोटिक यानी अजैविक जो लिविंग थिंग से प्राप्त नहीं होते। ओके, तो आपको नेचुरल सब्सटेंस के टू टू ग्रुप करने हैं, बायोटिक सब्सटेंस एंड अबायोटिक सब्सटेंस। ओके, अब हमें सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर, हाउ आर लेदर एंड वूल डिफरेंट फ्रॉम जूट एंड कॉटन, यानी लेदर यानी चमड़ा, वूल यानि ऊन है ना, उसके बाद में जूट यानी पटसन, और कॉटन यानी कपास। ठीक है, तो ये जो पदार्थ है इनमें क्या अंतर है, यानी लेदर, वूल, जूट और कॉटन, इनमें क्या डिफरेंस है वह हमें इसमें बताना है। ओके, तो यहाँ पर क्या बोला है नीचे में, यहाँ पर लेदर एंड वूल आर ऑब्टेंड फ्रॉम एनिमल्स। अब इसमें जो लेदर और वूल होता है, लेदर यानी क्या होता है, चमड़ा है ना, लेदर यानी क्या होता है, चमड़ा है ना, प्राणियों का चमड़ा जिसको हम लोग कहते हैं, या हमारी स्किन जो होता है चमड़ा, ज़्यादातर प्राणियों के चमड़े का ही हम लोग यूज़ करते हैं लेदर के रूप में ना। तो और वूल, वूल यानी क्या होता है, ऊन है ना। तो क्या बोला यहाँ पर कि लेदर एंड वूल आर ऑब्टेंड फ्रॉम एनिमल्स, यानी लेदर और वूल चमड़ा और ऊन यह किससे मिलते हैं, एनिमल्स यानि प्राणी से मिलते हैं, किससे मिलते हैं, प्राणी से मिलते हैं, दे आर ऑफ एनिमल ओरिजिन, इसलिए उन्हें प्राणीजन्य पदार्थ कहते हैं, जो पदार्थ एनिमल से मिलते उन्हें प्राणीजन्य पदार्थ कहा जाता है। वेरियस जूट एंड कॉटन आर सब्सटेंस ऑफ प्लांट ओरिजिन, और जूट और जो कॉटन है, पटसन और कपास है, यह किससे मिलता है, प्लांट से, यानी वनस्पति जन्य पदार्थ, प्लांट ओरिजिन यानी जिसको हम लोग वनस्पति जन्य सब्सटेंस, वनस्पति जन्य पदार्थ कहते हैं, यानी जो सब्सटेंस हमें एनिमल से मिलता है उन्हें एनिमल ओरिजिन, एंड जो सब्सटेंस हमें प्लांट से मिलता है उन्हें प्लांट ओरिजिन्स कहा जाता है। ओके, समझ में आया, प्राणीजन्य पदार्थ एंड वनस्पति जन्य पदार्थ। ठीक है, यहाँ पर जो हमने एग्जांपल देखा था लेदर, तो ये लेदर और वूल, लेदर यानी क्या हो गया, ये कहाँ से मिलता है हमें, लेदर एनिमल से मिलता है। ओके, तो यह किस में आएगा, एनिमल ओरिजिन में। ठीक है, जूट, जूट यह हमें किससे मिलता है, प्लांट से, तो ये किस में आएगा, प्लांट ओरिजिन में। वूल, जो वूल है वह किससे मिलता है, एनिमल से, तो ये किस में आएगा, एनिमल ओरिजिन। कॉटन किससे मिलता है, प्लांट से, तो कॉटन किस में आएगा, प्लांट ओरिजिन। ओके, फिर वाटर, सॉइल एंड मेटल्स, यानी जो पानी होता है, मिट्टी होती है, और जो मेटल्स धातु होती है, यह इंसान बनाता है क्या, नहीं, यह कौन बनाता है, नेचुरल, नेचुरली होता है ना, नेचर से मिलता है, इसलिए यह क्या होगा, नेचुरल सब्सटेंस। ओके, अंडरस्टैंड बच्चों। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, डू वी फाइंड प्लास्टिक, नायलोन, ब्रास और सीमेंट इन नेचर, यानी प्लास्टिक, नायलोन, ब्रास यानी पीतल और सीमेंट। ठीक है, ये जो पदार्थ है ये किससे मिलते हैं, प्रकृति से, नेचर से मिलते हैं, ये बनाया नहीं जाता, यह किससे मिलते हैं, प्रकृति से मिलते हैं, यानी हमको पूछा है, डू वी फाइंड, क्या यह प्लास्टिक, नायलोन, ब्रास और सीमेंट जो है वह नेचर से मिलते हैं या इंसान बनाता है, यानी हमको पूछा है, डू वी फाइंड। ठीक है, तो आपको सबको पता होगा कि जो प्लास्टिक है, नायलन है, ब्रास है और सीमेंट है, यह प्रकृति से मिलता है क्या, तो नहीं, यह कौन बनाता है, इंसान, यह क्या है, मैन मेड सब्सटेंसेस है। इसके ऊपर में हमने नेचुरल सब्सटेंस पढ़े थे अभी तक है ना, जो नेचुरल से मिलते हैं, एनिमल से, नेचर से एंड प्लांट से। ओके, अब हम पढ़ेंगे मैन मेड सब्सटेंस, तो वहाँ पे हमको वही दिया है कि प्लास्टिक, नायलॉन, ब्रास और सीमेंट यह नेचुरल नहीं है,
यह क्या है, मैन मेड सब्सटेंस है। तो हम अभी मैन मेड सब्सटेंस के बारे में पढ़ने वाले, ओके। क्या बोला यहाँ पर, इट इज ह्यूमन नेचर टू स्ट्राइव फॉर नेवर थिंग्स एंड टू ट्राई टू मेक लाइफ मोर कंफर्टेबल। यानी हम लोग जो इंसान है, ह्यूमन है, वह कंटिन्यू क्या कर रहा है, बहुत सारे चीजों की खोज कर रहा है और जीवन को और भी ज्यादा कंफर्टेबल बनाने की कोशिश कर रहा है। यह क्या है, ह्यूमन का नेचर है, मनुष्य का स्वभाव है। एज अ रिजल्ट ऑफ हिज एफर्ट्स मैन नॉट ओनली लर्न टू यूज नेचुरल सब्सटेंसेस बट ऑल्सो बिगन टू प्रोसेस देम टू मेक न्यू सब्सटेंसेस। और ऐसे जो प्रयत्न से, ऐसे जो ट्राई कर रहा है, वैसे प्रयत्न से मानव ने नेचुरली जो सब्सटेंस है उसका यूज करके उसके साथ में नए नए उन्होंने सब्सटेंस भी तैयार किए गए हैं, नए नए उन्होंने ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, है ना। नेचुरल सब्सटेंस का यूज करके उन्होंने, उसके द्वारा उन्होंने अलग अलग मेक न्यू सब्सटेंस, अलग अलग पदार्थ बनाए हैं। सेवरल सच सब्सटेंसेस आर इजियर टू यूज एंड कैन बी मेड अवेलेबल इन प्लेंटी एट अ लो कॉस्ट। और जो ये सब्सटेंस जो बना रहा है इंसान, यह क्या है, उपयोग करने में बहुत ही क्या है, सुविधाजनक, इजियर है और कम खर्च की भी है। अवेलेबल इन प्लेंटी ऑफ लो कॉस्ट, कम खर्च में भी हम लोग भरपूर मात्रा में मिलने के कारण उसका यूज ज्यादा प्रमाण में हो रहा है। देयरफॉर दिस सब्सटेंसेस केम टू बी यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल। और मनुष्य इसका यूज ज्यादा मात्रा में, बहुत अधिक प्रमाण में कर रहा है। मानव निर्मित है ना, मैन मेड जो सब्सटेंस है उसका यूज बहुत अधिक संख्या में हो रहा है। देयर आर अ ग्रेट मेनी सच मैन मेड सब्सटेंस इन यूज टूडे। हम लोग टूडे आज ज्यादातर वस्तु हम लोग मैन मेड सब्सटेंस की ही यूज कर रहे हैं। न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय प्रोसेसिंग नेचुरली अवेलेबल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड मैन मेड सब्सटेंस। जैसे हमने वहां पर देखा था कि नेचुरल सब्सटेंस, वैसे मेन मेड सब्सटेंस क्या होता है, तो न्यू सब्सटेंस को अंडरलाइन करूँ कि न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय प्रोसेसिंग नेचुरली अवेलेबल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड मैन मेड सब्सटेंस। मैन मेड सब्सटेंस कैसे कहते हैं, तो जो नए सब्सटेंस होते हैं, नए नए जो प्रोडक्ट्स, पदार्थों के जो प्रोड्यूस्ड होते हैं प्रोसेसिंग के लिए नेचुरली अवेलेबल सब्सटेंस, तो उसे क्या कहते हैं, मैन मेड सब्सटेंस। एंड इसका मीनिंग क्या होगा कि जो उपलब्ध पदार्थ है उस पर इंसान अलग प्रकार की प्रोसेसिंग करके, विभिन्न क्रियाएं करके तैयार किए गए जो सब्सटेंस होते हैं उनको मैन मेड सब्सटेंसेस कहा जाता है। देखो तो आपको पिक्चर दिख रही है यहाँ पे, ये वुड का दिख रहा है, ये दिख रहा है लकड़ियाँ वगैरह की, है ना, ये दिख रहे पूरे पदार्थ सब्सटेंस दिख रहे हैं। तो देखो यहाँ पर कुछ हमें नेचुरली, यहाँ तक हमें ऊपर में नेचुरली दिखाए गए, ये सब क्या है, नेचुरली सब्सटेंस है, ठीक है। और ये जो ये है क्या है, मैन मेड सब्सटेंस जो मैन ने तैयार किया, और इन यूज, ये जो सब्सटेंस है इनका यूज अभी हम लोग भरपूर प्रमाण में कर रहे हैं, कर रहे हैं। आपके घरों में ये चीजें हमें दिखाई दे रही है ना, और ये नेचुरली है, नेचर के द्वारा प्राप्त होते हैं, ओके। अब हम नेक्स्ट पेज 44 देखेंगे। 44 पेज में हमें क्या बोला है, यहाँ पर पेज नंबर 44 यहाँ पर स्टार्टिंग देख लीजिए, क्या बोला है यहाँ पर, earlier earlies or caps made of grass or sack cloth were used for protection from rain। यानी क्या हो गया अभी कि बारिश आती है, वर्षा ऋतु जिसे हम कहते हैं, बारिश के समय, बरसात के समय में क्या होता है, बरसात से बचने के लिए, हम गीले न हो इसलिए बरसात से बचने के लिए पहले क्या किया जाता था, घास, पहले क्या होता था, ग्रास यानी घास, ठीक है, घास। उसके बाद में सैकक्लॉथ, क्लॉथ यानी जिसको हम लोग बोरा कहते हैं ना, बोरे से बने हुए जो छाता होता था, बोरे से बने हुए जो छाते होते थे या फिर बोरे का सर पे ढककर उसका उपयोग किया जाता था, किससे बचने के लिए, रेन से, बारिश से बचने के लिए। पहले क्या करते थे, बरसात से बचने के लिए घास सर पे रख के जाना या फिर बोरे से बने हुए ऐसे ओढ़ लेना, इस तरह से उसका यूज करते थे। उसके बाद में देन क्लॉथ अम्ब्रेलास कम इन टू यूज, उसके बाद में अम्ब्रेला का यूज यानी छतरी का यूज किया जाने लगा, छतरी आई। नाउ डेज द रेनकोट, उसके बाद में रेनकोट आए, स्कूल बैग्स आए, बस्ते आए, एंड द बुक कवर्स यू यूज कैन ऑल बी मेड फ्रॉम प्लास्टिक। उसके बाद में प्लास्टिक के क्या क्या आए,
रेनकोट प्लास्टिक का बना, स्कूल बैग्स बने प्लास्टिक के, बुक कवर्स बने प्लास्टिक के, है ना। पहले अम्ब्रेला का यूज किया गया, उसके बाद में ये सभी वस्तुएं प्लास्टिक की तैयार हुई, ठीक है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बोला है, डेलिकेट आर्टिकल्स पेरिशेबल फ्रूट्स एट्स एक्स्ट्रा, नाजुक जो वस्तुएं होती है या फिर फ्रूट्स, नाशवान जो फ्रूट्स होते हैं, खराब होने वाले फल आदि के लिए पैकिंग की, है ना, उसको पैकिंग करने की आवश्यकता होती है। जैसे टू पैक टीवी सेट, टीवी सेट को पैकिंग के लिए, रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज, है ये सभी चीजें क्या होती है, टूटे नहीं, इसलिए उनको पैकिंग के लिए पैकिंग किया जाता है। तो पैकिंग कैसे करते हैं, बिग कार्टून्स एंड थर्मोकोल आर बीइंग यूज्ड, तो पैकिंग करने के लिए बड़े बड़े खोखे, है ना, कार्टून्स और थर्मोकोल, बड़े बड़े खोखे और थर्मोकोल का यूज किया जाता है। ऑल दिस आर मैन मेड सब्सटेंस, और ये सभी क्या है, प्लास्टिक, खोखे और थर्मोकोल, यह क्या है, मैन मेड सब्सटेंस है, प्लास्टिक, है ना, ये प्लास्टिक, ठीक है, कार्टून्स यानी खोखे, थर्मोकोल, ये क्या है, मैन मेड सब्सटेंसेस है जो इंसान ने बनाए हैं, इसका यूज अभी बहुत हो रहा है। दीज सब्सटेंसेस आर वाटर प्रूफ और वाटर रेसिस्टेंस, लाइट वेट एंड इजी टू ट्रांसपोर्ट, और ये सब जो मैन मेड सब्सटेंस है, यह सब्सटेंस क्या होते हैं, वाटर प्रूफ होते हैं, यानी जल्दी जिसको जलरोधी कहते हैं ना, वाटर प्रूफ यानी भीगते नहीं उसे, वाटर रेजिस्टेंस होते हैं, वजन में हल्के होते हैं, वाटर रेजिस्टेंस, वो पानी सोख लेते, गीले नहीं होते हैं अंदर की वस्तुएं, लाइट वेट, उसका वजन भी हल्का होता है, एंड इजी टू ट्रांसपोर्ट, और ट्रांसपोर्ट के लिए, परिवहन के लिए इजी, आसानी से उसको ले जा सकते हैं, ओके। दैट इज वाई दे आर बींग यूज इनक्रीजिंगली, और इसके वजह से इनका यूज अब बढ़ रहा है। उसके बाद में यूज योर ब्रेन पावर बोला है, कंप्लीट द टेबल बिलो शोविंग हाउ सब्सटेंस ऑफ डेली यूज आर क्लासिफाइड। अभी हमने देखा कि सब्सटेंस में जो डेली यूज के सब्सटेंस होते हैं उसमें क्या क्या हम लोग करते हैं, यहाँ पर मैनमेड है तो यहाँ पर क्या आएगा, नेचुरल सब्सटेंस, ओके, मैनमेड यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे क्या लिखूंगा, नेचुरल, नेचुरल में फिर अबायोटिक है, दूसरा क्या था, बायोटिक था, मैनमेड में क्या था, जो हमने देखा यहाँ पर, आपने देखा ना पीछे में क्या देखा था, यहाँ पर मैनमेड में हम लोगों ने देखा था प्लास्टिक वगैरह के हम लोग लिख सकते हैं मैनमेड में, ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पर आप प्लांट ओरिजिनल, एनिमल ओरिजिनल, फिर प्लांट में क्या है, इसमें लेदर है तो प्लांट में क्या था, जूट था, है ना, इस तरह से आपको यह टेबल कंप्लीट करना है, ओके। उसके बाद में आता है यहाँ का क्लासिफाई यानी वर्गीकरण करना है, क्लासिफाई द वेरियस सब्सटेंसेस अवेलेबल इन द हाउस आर हाउस एज नेचुरल एंड मेड मेड सब्सटेंस है। हमें नीचे में कुछ टेबल दिया है, उसमें हमें क्लासिफाई करना है मैन मेड एंड नेचुरल सब्सटेंस में, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड सब्सटेंस ये पढ़ना है आपको, एरिया ऑफ यूज, कंस्ट्रक्शन के लिए नेचुरल सब्सटेंस में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, बाम्बू का यूज करते हैं, स्टोन का, सॉइल का, वुड का, कोकोनट, फ्रॉन्ट्स, लाइम, इन सब का करते हैं, मैन मेड में ब्रिक्स, है ना, यानी ये सब कुछ क्या है, पहले नेचुरल सब्सटेंस हम लोग पहले यूज करते थे, घर बनाने हैं अभी तो हम लोग इन सब चीज़ों का यूज करते हैं मैनमेड, लेकिन पहले ये सब चीज़ें नहीं थी, तो नेचुरली सब जो मिलता था सब्सटेंस उससे ही घर बनाए जाते थे, तो बाम्बू के घर होते थे, पत्थर के होते थे, सॉइल मिट्टी के होते थे, उसके बाद में लकड़ी के होते थे, कोकोनट, नारियल का जो पत्ता होता है, फ्रूट्स, उसका, लाइम है, चूना के, ऐसे बना उसके घर बनाए जाते थे। लेकिन अभी मैनमेड सब्सटेंस है, अभी इंसान ने अभी किस तरह के घर बनाते हैं, तो उसमें घर बनाने के लिए हमें कौन कौन से पदार्थ सब्सटेंस लगते हैं, तो ब्रिक्स लगते हैं, ईंट लगती है, सीमेंट लगता है, कॉन्क्रीट लगता है, उसके बाद में गैल्वेनाइज्ड चदरें लगती है, शीट्स, क्ले टाइल्स लगती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं उसको, मिट्टी की नरिया या फिर प्लास्टिक, है ना, टाइल्स, अलग अलग प्रकार के टाइल्स का भी यूज करते हैं आप लोग, प्लास्टिक, एस्बेस्टोस शीट लगती है, जिसको एस्बेस्टस की चादर या पत्र खा जाता है, इन सब का यूज करके मैनमेड द्वारा भी कंस्ट्रक्शन होता है। फिर राइटिंग मटेरियल, पहले राइटिंग मटेरियल में क्या क्या लगता था, ट्री बार्क लगते थे, वृक्षों की छाल से लिखा जाता था, लीव्स पत्तियों पर, है ना, वृक्षों की पत्तियां, फिर या फिर भूर्ज पत्र, जिसको हम लोग जो पत्रे होते हैं उस पर लिखा जाता, पेन्स मेड फ्रॉम रीड्स, फिर क्या बोला, धूल पत्तियां, स्टोन स्लेट्स, स्टोन वॉल्स इन केव्स,
सॉइल एंड कलर्स मेड फ्रॉम प्लांट्स, यानी प्लांट्स के द्वारा, वनस्पति के द्वारा, वृक्षों की छाल, वृक्षों की पत्तियां, वनस्पतियों से जो मजबूत तने होते हैं उसकी लेखनी बनाई जाती थी, थूल या फिर पत्थर की तख्तिका या गुफा के जो दीवारें होते थे, मिट्टी होती थी, वनस्पति से प्लांट से ही कलर रंग बनाए जाते थे। इन चीजों का यूज पहले राइटिंग मटेरियल के लिए किया जाता था, लेकिन अभी तो पेन का हम लोग यूज करते हैं, पेंसिल का यूज करते हैं, मेड फ्रॉम प्लास्टिक एंड मेटल का भी यूज हम करते हैं। उसका पेपर नोटबुक हमारी होती है उस पर लिखते हैं हम लोग। पहले तो लोग वृक्षों की छालों पर लिखते थे, है ना, अभी हम लोग के लिए सब कुछ अवेलेबल है। उसके बाद थ्रेड्स, फाइबर या धागे जो होते हैं, पहले कॉटन, सिल्क, वूल, रुई, रेशम और उनके होते थे, अभी तो नायलॉन और रेयन का भी यूज होने लगा है। ओके, नीचे में हमें क्या दिया है, ग्लास कैन बी मेड फ्रॉम सैंड एंड कैल्शियम कार्बोनेट। जो ग्लास होता है, कांच होता है, वो किससे बनता है, सैंड एंड कैल्शियम कार्बोनेट, यानी बालू और चूने का पत्थर। चूने के पत्थर से क्या बनाते हैं, ग्लास, कांच बनाया जा सकता है। हाउएवर सैंड एंड कैल्शियम कार्बोनेट कैन नॉट बी ऑब्टेंड अगेन फ्रॉम ग्लास, लेकिन कांच से वापिस हम लोग, अगर हम लोग तो सैंड और कैल्शियम कार्बोनेट यानी रेती और चूने के पत्थर से हम लोग कांच बना लेते हैं, लेकिन कांच से और चूने लेकिन कांच से वापस हम लोग सैंड और कैल्शियम कार्बोनेट यानी कांच से हम लोग वापस रेती और चूने का पत्थर नहीं बना सकते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ग्रीन चिलीज और टोमेटोज टर्निंग रेड आफ्टर सम टाइम, हैव यू एवर सीन और हियर्ड ऑफ रेड टोमेटोज बिकमिंग ग्रीन अगेन। यानी हरी मिर्च और जो हरा टमाटर होता है कुछ समय बाद में तो लाल हो जाता है, ये तुमने देखा भी होगा, लेकिन कभी यह देखा है और कभी सुना है कि जो हरा टमाटर हरे से लाल हो गया है पर लाल से वापिस वो हरा हो गया है, ऐसा कभी होता है क्या? नहीं ना, ऐसा हमने कभी ना सुना है और ना देखा है। वाइल मेकिंग मैन मेड सब्सटेंसेस द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स अंडरगो अ चेंज। लेकिन मानव निर्मित पदार्थ जो है तैयार करते समय जो सब्सटेंस होते हैं उसके प्रॉपर्टीज में चेंज किया जाता है। दिस चेंज ऑक्योर्स ड्यू टू सर्टन केमिकल रिएक्शन, और जो यह चेंजेस है यह केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया होने के कारण ही होता है। दिस चेंजेस इन द प्रॉपर्टीज आर परमानेंट, दैट इज द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूंट सब्सटेंस कैन नॉट बी ऑब्टेंड अगेन फ्रॉम द न्यू सब्सटेंसेस, सच चेंज आर कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंजेस। ठीक है, यानी जो चेंजेस होते हैं प्रॉपर्टीज में जो चेंजेस होता है वो स्थायी होता है, परमानेंट होता है। ठीक है, अर्थात जो नया पदार्थ है वो वापिस अपने सब्सटेंस को में नहीं आ सकता, इसलिए उसे इरिवर्सिबल चेंजेस कहा जाता है। एक बार जो उसमें चेंज हो गया उसके प्रॉपर्टीज में तो वह वापिस पहले जैसा नहीं हो सकता, इसलिए उसको इरिवर्सिबल चेंजेस कहा जाता है। ओके, सो आई होप बच्चों आपको यहाँ तक पेज नंबर आज हमने 42, 43 एंड 44 पढ़ा, सो आई होप आपको यहाँ तक अभी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट पीरियड में हम लोग नेक्स्ट पेज रीड करेंगे 45। ओके, सो आज के लिए गुड डे।